दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी टाइम ट्रेवल के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा। हम में से ज्यादातर लोग इसे असंभव मानते हैं, पर कुछ लोग इसे संभव भी मानते हैं। लेकिन अगर कोई टाइम ट्रेवल को संभव मानता है तो क्यों मानता है और इसके सच होने के क्या सबूत हैं? ये सारी बातें आज हम अपने वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जो टाइम ट्रेवल के सच होने का इशारा करती हैं। आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में विस्तार से। नंबर 7, चाइनीज स्विस वॉच। साल 2008 के दिसंबर में जब चाइनीज शोधकर्ताओं ने एक 400 साल से भी ज्यादा पुराने पत्थर को तराशा तो उसमें से उनको एक अंगूठी के आकार की 100 साल पुरानी घड़ी मिली, जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। 500 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन इस घड़ी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। तो आखिर ये घड़ी इतने पहले कैसे आ गई, ये बात सबकी समझ के परे है। नंबर 6, द टाइम ट्रेवलिंग ममी। मंगोलिया के अल्ताई पहाड़ों में 10 फीट गहरी गुफा में शोधकर्ताओं को 1500 साल पुरानी ममी मिली, जो सामान्य नहीं थी क्योंकि उसके पैरों में लाल जूते थे और उन जूतों पर 3 सफ़ेद स्ट्रिप थीं, जो आजकल के एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है और साथ ही साथ इसको टाइम ट्रैवलिंग की घटना से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उस वक्त ऐसे स्ट्रिप वाले जूते कहाँ से आ गए थे। नंबर 5, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट को US नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। ये दुनिया की एक सच्ची और चौंका देने वाली घटना है, क्योंकि US नेवी का एक लड़ाकू जहाज USS एल्ड्रिज DE-173 अपनी जगह से अचानक गायब हो गया और उसी वक्त ये जहाज नॉरफोल्क वर्जीनिया में देखा गया। ये परीक्षण इसलिए किया जा रहा था ताकि शत्रु के रडार से जहाज को छुपाया जा सके, मगर इस परीक्षण के साइड इफेक्ट्स के कारण जहाज टाइम ट्रैवल कर गया। और उसके बाद भी चौंकाने वाला सच ये है कि जब वर्जीनिया में जहाज को देखा गया तो जहाज में मौजूद सभी लोगों के शरीर के अंग जहाज में फंसे हुए थे, मानो टाइम ट्रैवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाज में फंस गए हों। कुछ कुछ लोग जहाज से गायब भी थे जिनका पता आज तक नहीं लग पाया। नंबर 4, फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। ये घटना है सन 1935 की, जब एयर मार्शल सर विक्टर गॉडर्ड ने अपने विमान हॉकर हार्ट पर एक परीक्षण किया था। जब वे स्कॉटलैंड से अपने देश के लिए यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने अपना नियमित रास्ता बदलकर एक अनजान रास्ते से जाने का फैसला किया, जो एडिनबर्ग शहर के करीब ही था। जिस रास्ते से वो जाने वाले थे वो बंद पड़ा हुआ एयरवेज था। अपनी यात्रा के दौरान उनको एक भयानक आंधी का सामना करना पड़ा और उनका विमान अनियंत्रित होकर जमीन पर आने लगा था। जब उन्होंने अपने विमान को जमीन पर उतारा तो उन्होंने देखा कि बंद पड़ा हुआ एयरवेज पूरी तरह से कार्यरत था और वहाँ 4 पीले विमान भी थे जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के लग रहे थे। जब वो 4 साल बाद वहाँ एक्सपेरिमेंट करने गए तो उनको वही 4 विमान फिर दिखाई दिए जिनको उन्होंने 4 साल पहले ही देख लिया था, लेकिन इन सब विमानों का आविष्कार उनके देखने के कई सालों बाद हुआ। नंबर 3, टाइम ट्रैवलर इन चार्ली चैपलिन मूवी। 1928 में चार्ली चैपलिन की फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक फुटेज सामने आया जिसमें एक महिला सेल फोन पर बात करती हुई कैमरे में कैद हुई है। उस वक्त तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में इस वीडियो पर गौर किया गया तो देखा गया कि एक महिला सेल फोन पर बात कर रही थी, जबकि 1928 में तो सेल फोन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस वीडियो को बनाने वाले फिल्म मेकर जॉर्ज क्लार्क ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर किसी ने भी इस महिला को नहीं पहचाना। नंबर 2, मिस्टीरियस मैन इन द बुक। साल 1974 में प्रिंट की हुई एक किताब मिली जिसमें पुराने जमाने की स्टोरी और फोटोग्राफ थे जो कि कैप स्कॉट की थी, जो अब कनाडा और अमेरिका के बीच है। उस किताब में एक फोटो सबसे चौंका देने वाली थी जिसमें सभी आदमियों को फोटो के बाद देखा गया था और पहचाना गया था। सभी ने 1970 के ज़माने के कपड़े पहने थे, लेकिन एक इंसान उनमें से ऐसा भी था जो मॉडर्न कपड़ों और मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ फोटो में नज़र आ रहा था। आप देख सकते हैं कि उसने मॉडर्न ज़माने की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए हैं और उसके बगल में बैठे व्यक्ति उसे आश्चर्य से देख रहे हैं।
नंबर एक, टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें कुछ अजीब दिखाई दे रहा है? ये तस्वीर कनाडा की वेबसाइट वर्चुअल म्यूजियम से ली गई है और इसे 1941 में खींचा गया था। ये तस्वीर कनाडा के साउथ फोर्क ब्रिज के उद्घाटन के दौरान खींची गई थी। ये पिक्चर बिल्कुल असली है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, पर इसमें दिख रहा ये शख्स बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उसके कपड़े आज के जमाने के लगते हैं, उसका हेयर स्टाइल और चश्मा भी मॉडर्न लग रहा है। तो क्या यह व्यक्ति समय यात्रा करके इतिहास में पहुंच गया था? कोई नहीं जानता। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे शॉकिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।